हेलो दोस्तों, पिछली बार लेक्चर में देखा था आप लोगों ने कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, पूर्ण कोण, कोटि पूरक और समपूरक कोण। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लिए इस तरह से काटती हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, कोण एक बराबर कोण दो के परिणाम दे दिया तीन, तो कोण तीन बराबर कोण चार, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कोण एक बराबर कोण दो होता है, क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और यदि दो समानांतर रेखाएं इस टाइप से हैं, ओ से तिरछा काटती है, तो जितना कोण आपका ए वाला होता है उतना कोण आपका ए होता है, इसे बोलते हैं संगत कोण। और जितना आपका ए वाला होता है उतना ही आपका ए होता है, इसे भी क्या बोलते हैं संगत कोण। तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसी दीदी नाम एक दीदी कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो, ये एक दूसरे के संगत कोण है। और देखिए दोस्तों एकांतर कोण, तो एकांतर कोण होते हैं जो आपके एक कंडीशन बन गई जेड वाली, ए वाला ऐसे ये जेड वाली कंडीशन, तो जितना कोण आपका ए वाला होता है उतना कोण आपका ए वाला होता है। यदि आपका ए 30 है तो ये भी 30 होगा, यदि ए 60 है ये भी 60 होगा। तो हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आमने सामने वाले, संगत कोण बराबर होते हैं, जितना ऊपर का होगा उतना ही वाला होगा, जितना नीचे वाला होगा उतना ही वाला होगा। और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये होती है जेड वाली कंडीशन, जितना कोण आपका ए होगा उतना कोण आपका ए होगा। थैंक यू दोस्तों।